Hi guys, welcome back to my channel. This side Tavleen Kaur. I know I am filming a YouTube video after a really very long time. मुझे पता है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने last video कब shoot किया था, कब film किया था. And in fact, आज भी कोई इरादा नहीं था कि मैं YouTube video film करूँ. It's just that मैंने मतलब मेरा आज मन नहीं था कि मैं कुछ भी reels या shorts के लिए film करूँ. तो मैंने थोड़ा सा camera इस ऐसे कर लिया and सोचा कि चलो कुछ YouTube video बना लेते हैं. It's मतलब ऐसा पहली बार होने वाला है when this YouTube video is not going to be planned. ये एक unplanned YouTube video है. So अब मैंने सोचा चलो फटाफट कुछ भी बना लेते हैं क्विक. मैंने मन तो बना लिया था कि मुझे आज एक लॉन्ग फॉर्मेट में ही वीडियो फिल्म करना है, नॉट अ शॉर्ट फॉर्म, लाइक शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाना है आज. बट मैं फिर सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना एक क्विक सा समर मेकअप लुक शूट करते हैं, विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट और जो मैं भी करती हूँ अपने लाइक अभी जो मैं समर्स के टाइम पर करती हूँ. सो छोटे मोटे जो मैं हैक्स होता है या जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ वाइल डूइंग माई समर मेकअप. मुझे लगता है मैंने काफ़ी बोल दिया है, सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट डूइंग माई मेकअप. सो लेट्स गेट इन द वीडियो. तो जब भी मैं अपना मेकअप लुक स्टार्ट करती हूँ I always start by prepping my skin because it's very important to prep your skin ताकि आपका जो मतलब आप जो मेकअप करने वाले हो तो एक अच्छा सा बेस अगर क्रिएट नहीं होता है so your makeup products will not blend well into your skin. So it's very important to prep your skin. And वो आप कैसे कर सकते हो, just using two products which is moist. मैं मतलब two products use करके ही अपना base prep करती हूँ, which is doing my skin care, and that's basically includes two products. Obviously face wash या जो face cleaning होता है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, but before doing my makeup, two skin care products जो मैं definitely use करती हूँ is moisturizer and sunscreen. And अगर मैं evening time में like makeup कर रही हूँ so obviously it's just the moisturizer, not a sunscreen. But it's very important to use these two skin care products if you are doing your makeup. And if you want to make your makeup look really flawless, so ये दो products miss कभी भी मत करना. So for my moisturizer, I am going to use my favorite moisturizer, which is the Dot & Keys Vitamin C Plus E Super Bright Moisturizer. It's a really good moisturizer. ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है एंड मेरे स्किन को बहुत ग्लोई एंड बहुत ईजली अब्जॉर्ब हो जाता है ये मेरे स्किन में, और लाइक इट जस्ट लीव्स अ वेरी ग्लोई फिनिश. एंड ऑब्वियसली विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू मेक आवर स्किन लुक ग्लोई हेल्दी. सो मुझे आई थिंक आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर एंड आई थिंक दैट सारे मॉइस्चराइजर्स बाई डॉट एंड की आर जस्ट लाइक ओ माई गॉड दे आर ऑल गुड. सो आप लाइक बट मुझे लगता है समर्स के लिए दे वन इज़ द प्रोबायोटिक्स जेल मॉइस्चराइजर एंड दिस वन विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर इज रियली वेरी गुड. सो या इट्स ऑसम, आई जस्ट लव इट. नेक्स्ट होने वाला है सनस्क्रीन विच इज़ ऑल्सो बाई डॉट एंड की एंड दिस वन इज़ ऑल्सो विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. ये न्यूली लॉन्च्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा न्यूली लॉन्च्ड है, हो चुका है एंड इसे बहुत हाइप भी मिला था एंड आई थिंक इट्स वर्थ दी हाइप. काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ द बॉम कॉम्बिनेशन फॉर योर स्किन इन दिस समर सीजन. दिस सनस्क्रीन हैज़ अ रनिंग कंसिस्टेंसी, मतलब अभी आप देख रहे हो इट्स जस्ट रनिंग ऑन माई फेस, तो इस पर एक रनिंग कंसिस्टेंसी है. बट इट्स लाइट वेट, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करने में टाइम लगता है, but it leaves zero white cast and also it gives you invisible finish. It थोड़ा सा ज़्यादा time लेता है blend होने में, absorb होने में skin पर, but it works really good. Face पर तो sunscreen लगा लेते हैं but हम एक जगह sunscreen लगाना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, which is our neck. So never ignore your neck while applying your sunscreen. It's very important to apply your sunscreen on your neck too. So बस आपको ऐसे करना है and then you have to just put it on your neck. It's really very important guys, never miss out on your neck. Apply your sunscreen on your neck too, I repeat.
वी आर डन विथ स्किन प्रेप, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विथ मेकअप. सो उसके लिए जो पहला प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ, इट्स बाय लैक्मे, विच इज़ द ल्यूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विथ हाईलाइटर. मॉइस्चराइजिंग तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा है, बहुत मॉइस्चराइजिंग नहीं है. अगर आप सोचते हो कि आप मॉइस्चराइजर स्किप करके ये यूज़ करोगे तो इट विल बी इक्वल, प्लीज़ ऐसा मत करना. अप्लाई योर मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई दिस वन, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि ये आपका मॉइस्चराइजर का काम कर देगा, इट्स अ नो, बिकॉज इसमें आई थिंक ऐसा कोई भी मॉइस्चराइजर वाला इंग्रेडिएंट नहीं है, लाइक सेरामाइड्स, विटामिन सी और हायलुरोनिक एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें. सो आई थिंक मॉइस्चराइजर विथ हाईलाइटर, तब मैं इसे एक कंप्लीट मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल भी कह नहीं सकती हूँ. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट अगर आप अपना मॉइस्चराइजर स्किप करके ये यूज़ कर लोगे, एक ही तो बात होगा, बिल्कुल भी एक ही बात नहीं होगा. सो अप्लाई योर मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाई दिस, आई थिंक दैट विल वर्क रियली ग्रेट. इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, विच इज़ माई फेवरेट स्टेप ऑफ मेकअप, बिकॉज आफ्टर यूजिंग कंसीलर द होल लुक विल चेंज. सो या एंड आज जो मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ, इट्स बाय मेबेलिन. ये कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर एवरीडे लुक, क्योंकि ये आपको बहुत ही लाइट टू मीडियम कवरेज देता है एंड इट्स परफेक्ट फॉर द नेचुरल एंड एवरीडे लुक एंड स्पेशली फॉर द समर, क्योंकि मुझे समर्स में बिल्कुल भी फुल कवरेज मेकअप नहीं पसंद है. आई लाइक टू माई मेकअप बी रियली लाइट वेट एंड यार मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए. सो या एंड एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ यूजिंग ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स, स्पेशली कंसीलर एंड फाउंडेशन, इज दैट लेस इज़ मोर. आप जितना थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाओगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है. सो बिफोर ब्लेंडिंग माई कंसीलर, मुझे अपना कंसीलर ब्लेंड करना कुछ ऐसे पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कंसीलर ईजिली ब्लेंड हो जाता है. सो हाँ, मैंने सही बोला है, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया. सो यार मैं ऐसे ब्लेंड करना पसंद करती हूँ अपना कंसीलर. सो ब्लेंडिंग पार्ट इज कंप्लीट एंड मुझे ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल कवरेज, बहुत ही लाइट वेट है एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ अ परफेक्ट कंसीलर फॉर द समर सीजन. सो या नाउ इट्स टाइम टू सेट योर कंसीलर. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ सेटिंग पाउडर, विच इज़ बाय मेबेलिन अगेन. वैसे तो मुझे सारे ही सेटिंग पाउडर सेम लगते हैं, बट आई थिंक दैट आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मेबेलिन वन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेबेलिन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है एंड थोड़ा सा अच्छे से कंसीलर को सेट कर देता है. तो आई थिंक इसीलिए मैं लाइक मेबेलिन वाला ज़्यादा एंड बार बार यूज़ करती हूँ. सो या वैसे तो मुझे अपना स्किन देखकर अभी लगता है कि मुझे और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. जितना मुझे कवरेज चाहिए था इस लुक के लिए मुझे मिल गया है, लाइक फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, किसी की भी ज़रूरत नहीं है. बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं सीसी क्रीम लगाऊंगी एंड दैट इज़ बाय लैक्मे. मैंने कोई दूसरा सीसी क्रीम अभी तक यूज़ नहीं किया है, मेरे पास लैक्मे का ही है एंड मुझे ये इतना पसंद है लैक्मे का, तो मुझे ज़रूरत नहीं हुआ कि मैं किसी और ब्रांड का लैक्मे छोड़कर, मतलब मैं किसी और ब्रांड का सीसी क्रीम ट्राई करूं. सो जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एनी अदर ब्रांड्स सीसी क्रीम, और अगर ये ख़त्म हो भी जाता है तो शायद मैं दोबारा यही परचेज़ करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट सीसी क्रीम है, परफेक्ट कवरेज देता है, बिल्कुल परफेक्ट, लाइक परफेक्ट सीसी क्रीम है, जैसा सीसी क्रीम होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, और ये मुझे वैसा ही कवरेज, वैसा ही लुक देता है जैसा मुझे चाहिए. सो या ऑलवेज अप्लाई योर सीसी क्रीम, पीवी क्रीम, फाउंडेशन, वॉट एवर इन डॉट, मतलब डॉट्स में आप अपने पूरे फेस में आपको अप्लाई करना चाहिए, और एक ही रूल फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ लेस इज़ मोर. हमेशा
हमेशा अपने ब्लेंडर को टैप 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 करना चाहिए जब आप ब्लेंड कर रहे हो. कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑन माई स्किन बिकॉज इट्स रियली वेरी हार्श फॉर योर स्किन. सो ऑलवेज टैप एंड विद ब्लेंडिंग माई सीसी क्रीम. इतना मेरे हाथ पे सीसी क्रीम बच गया है बिकॉज मैं बहुत ही कम अमाउंट में अपने हर प्रोडक्ट को अप्लाई करती हूँ, लेट इट बी ब्लश, हाईलाइटर, सीसी क्रीम, फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, हमेशा लेस अमाउंट पे, क्योंकि मुझे लगता है ना लेस इज़ मोर. मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी तो मुझे जितना कवरेज चाहिए वो मुझे मिल जाता है. सो मुझे वैसे एकदम हैवी अपने स्किन पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड आई थिंक कि किसी को भी ज़रूरत नहीं है. आप जितना कम लगाओगे आपका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होकर आता है. इट्स दी मेबिलीन हाइपर कर्ल मस्कारा विच इज़ अ वाटर प्रूफ वन. एंड कोशिश करो कि समर्स में आप जितना वाटर प्रूफ मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो उतना ही करो बिकॉज समर्स में वी टेंड टू स्वेट अ लॉट. तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका मेकअप वाटर प्रूफ नहीं हुआ सो ऑल योर मेकअप विल कम ऑफ. सो हमेशा यूज़ करो कि आप जो स्पेशली जो मस्कारा आप जो यूज़ कर रहे हो वो वाटर प्रूफ हो ताकि स्वेट के साथ या वो बाहर ना आ जाए बिकॉज देन आपको भी पता है कि क्या होता है या फिर क्या हो सकता है. एक्सेस मस्कारा कुछ इस तरीके से मैं हटा देती हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं अपने आई लैशेस पे लगाऊंगी. ये मस्कारा फॉर एवरीडे यूज़ एंड फॉर नेचुरल लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड वाटर प्रूफ भी है एंड अफोर्डेबल भी है. सो दिस वन इज़ लाइक अ रियली गुड मस्कारा फॉर बिगनर्स एज वेल एज जिनको मतलब अच्छा एक अफोर्डेबल मस्कारा चाहिए. सो यू कैन गो फॉर दिस वन. नाउ लेट्स कम बैक टू द फेस अगेन. सो अब मैं ब्लश लगाने वाली हूँ. सो मेरा मन था कि मैं पिंक ब्लश लगाऊँ बिकॉज आई एम डूइंग अ समर मेकअप लुक एंड हमें हमारा चिक्स पिंक ही पसंद है. बट मैं काफ़ी ज़्यादा कोरल ब्लशेस अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई थिंक कोरल शेड मेरे फेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है. सो इसीलिए मैं जब भी ब्लश परचेज़ करती हूँ ना तो वो हमेशा कोरल वाले ही मतलब कोरल शेड वाले ही परचेज करती हूँ. पिंक ब्लशेस मेरे पास बहुत कम क्या सच बताऊँ तो एक ही है अच्छा वाला, एक ही है एंड वो मेरे से जब मैं लेकर आ रही थी वो मेरे से गिर गया है और वो टूट गया है. सो नाउ आई हैव टू परचेज अगेन. सो इसीलिए मुझे आज फिर से कोरल ब्लश ही लगाना होगा इस लुक के लिए. सो ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है. जो ब्लश मैं आज यूज़ करने वाली हूँ इट्स बाय मेबिलीन. इट्स देयर किस एंड ब्लश लिप एंड चिक टिंट. वैसे तो कभी भी ब्लश अपने फेस पे डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए पर मैं आज डायरेक्टली लगाऊंगी एंड इन लाइक लिफ्टेड वे जिससे मेरा फेस लिफ्टेड लगे. सो सेम गोज हियर, दैट्स इट. मैं हमेशा अपने ब्लश को इस वे में ही ब्लेंड करती हूँ, दैट इज़ एन अपवर्ड मोशन सो दैट मेरा फेस लिफ्टेड लगे एंड ब्लश ऑल्सो लुक्स रियली गुड लाइक दिस वे. सो आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की आज कोई भी प्रोडक्ट का शेड नेम क्यों नहीं बता रही है, ब्लश हो, हाइलाइटर हो, जो भी हो वो शेड क्यों नहीं बता रही है. मैं सच बताऊँ मैं आप लोगों को शेड नेम बोलना ही भूल गई हूँ. तो मैं एक काम करूँगी, मैं सारे शेड नेम्स प्रोडक्ट के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम देयर. अनदर फेवरेट स्टेप ऑफ द होल मेकअप रूटीन दैट इज़ यूजिंग अ हाईलाइटर. और आज जो मैं हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ दैट्स बाय इनसाइट. इफ यू आस्क मी टू पिक वन हाईलाइटर फॉर लाइफ मैं यही पिक करने वाली हूँ बिकॉज मैंने बहुत से हाईलाइटर यूज़ किए एंड आई मतलब कम वाले भी मतलब कम प्राइस वाले भी ज़्यादा प्राइस वाले भी बट मुझे उन सब कैटेगरी में से ये हाइलाइटर सबसे ज़्यादा पसंद है. नाउ इट्स टाइम फॉर द लिप्स
एंड फॉर द लिप्स मैंने सोचा है कि आज मैं कुछ न्यूड एंड पिंकिश लिप्स रखूँगी. सो फॉर दैट आई हैव टू अप्लाई अ शेड विच इज़ न्यूड पिंक, जो न्यूड पिंक सा हो. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिपस्टिक विच इज़ बाय बेलोरा. एक बहुत ही प्रिटी शेड है एंड इट्स परफेक्ट फॉर द समर टाइम. लाइक इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड पिंक शेड, लिप्स पे बहुत ईजली अप्लाई हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है. इट्स अ रियली प्रिटी शेड एंड आई लव इट. See how pretty this shade looks. It's a perfect pretty nude pink shade for the summer time. It looks really very good on the lips and बहुत easily apply हो जाता है and बहुत सुंदर लगता है दिखने पर and I just love it. Now it's time for the last step, that is to set this makeup look, and उसके लिए मैं एक setting spray use करने वाली हूँ which is by Swiss Beauty. मुझे ये सेटिंग स्प्रे विच इज़ बाय स्विस ब्यूटी ठीक ठाक लगता है. लाइक इट गिव्स यू नेचुरल फिनिश एंड इट्स अ गुड सेटिंग स्प्रे टू सेट योर मेकअप. Yeah, this is my final look. I hope you liked it. And आज मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्विक सा समर मेकअप लुक किया है एंड मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए वो सारे अफोर्डेबल है, सारे नेचुरल लुक के लिए, लाइक समर लुक के लिए परफेक्ट हाइटवेट है एंड नेचुरल कवरेज देते हैं. सो या एंड होपिंग दैट यू सी माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट वाले, क्योंकि शॉर्ट्स वाले तो आप देखते रहोगे रोज ही. लाइक आई अपलोडेड एवरी डे, ठीक है. सो वो आप देखते रहोगे मेरे शॉर्ट्स फीड में. लेकिन आई होप दैट यू सी माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो वेरी सून. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक स्विच ऑन वो नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आप नोटिफाइड हो जाओ. एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो. टिल देन बाय बाय.